हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत कॉमन इशू के बारे में जो ज़्यादातर लोग फेस करते हैं। और वो कॉमन इशू ये है कि हमें कई बार लगता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो जितना होना चाहिए उससे काफ़ी कम हम पाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम जैसे अकेले हैं, थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करते हैं। तो आज हम आपके इसी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए फिक्स करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या आपको लगता है कि आपके पास अनलिमिटेड पावर है? जैसा आपने कुछ बुक्स बोलती हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, कुछ ट्रेनर्स बोलते हैं, कई रिसर्च कहती है कि हमारे पास अनलिमिटेड पावर है। क्या आपको लगता है कि ये बात सच है? और अगर ये सच है तो क्या आप रेडी हैं उसे एक्टिवेट करने के लिए? आप रेडी हैं उसे यूज़ करने के लिए? और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि अगर आप किसी तरीके से अपनी अनलिमिटेड पावर को यूज़ करना शुरू कर दें तो फिर आपकी जो लाइफ होगी, इंच बाय इंच, डे बाय डे, आपके रिलेशनशिप का हर एक आस्पेक्ट, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो आपका हेल्थ आस्पेक्ट हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, आपकी लव लाइफ हो, वो कैसा होगा? सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक राठौर, मैं ऑथर और न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सपर्ट हूँ। आज का टॉपिक है कि क्या हमारे अंदर, क्या हमारे माइंड में, क्या हमारे ब्रेन में अनलिमिटेड पावर है, और कैसे हम उस अनलिमिटेड पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसे यूज़ करके हम लोग अपनी डिज़ायर्ड लाइफ को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक फैक्ट शेयर करता हूँ। एक फैक्ट है, एक रिसर्च है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक फाइंडिंग है, जो कि ये कहती है कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे माइंड का जो सबकॉन्शियस लेवल है, वो इस यूनिवर्स से डीपली एम्बेडेड है। हमारे माइंड के 7 लेयर्स होते हैं। नंबर 1 कॉन्शियस माइंड, उसके ठीक नीचे एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग अनकॉन्शियस माइंड। यहीं पे हमारे जो भी बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, वो यहीं पे स्टोर्ड होते हैं। इसके ठीक नीचे एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं कलेक्टेड अनकॉन्शियस, उसके ठीक नीचे एक लेयर होता है उसको बोलते हैं कॉस्मिक अनकॉन्शियस। सो कॉन्शियस माइंड के नीचे 3 लेयर्स और कॉन्शियस माइंड के ऊपर 3 लेयर्स होते हैं। जस्ट ऊपर होता है सुपर कॉन्शियस माइंड, उससे ऊपर होता है कलेक्टेड सुपर कॉन्शियस माइंड, उसके ऊपर होता है कॉस्मिक सुपर कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड के अलावा बाकी जितने भी माइंड हैं उनको हम लोग कलेक्टिवली सब कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि ये जो अनलिमिटेड पावर है, ये कहाँ छुपी हुई है और इसको कैसे हम लोग यूज़ करना शुरू कर सकते हैं फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट। सो इसको यूज़ करने के 4 स्टेप्स हैं या 4 आस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले इस पावर को यूज़ करने के लिए आपको समझना होगा, आपको यूज़ करना होगा अपनी पावर ऑफ वर्ड्स को, अपने पावर ऑफ थॉट को। जब हम लोग अपने वर्ड्स को, अपने थॉट्स को कॉन्शियसली यूज़ करना शुरू करते हैं, उसको एक डायरेक्शन देना शुरू करते हैं, कॉन्शियसली चूज़ करना शुरू करते हैं, तो हम इस अनलिमिटेड पावर को अपने फेवर में, अपने ग्रोथ के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए यूज़ करना शुरू करते हैं। आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो सारा कम्युनिकेशन है इस यूनिवर्स के साथ, इस यूनिवर्स की हायर पावर के साथ। तो अगर आप वहाँ पे उसको कॉन्शियसली चूज़ करके, उसकी क्वालिटी को इन्हांस करके, अपने सेल्फ टॉक को इन्हांस करके, आप इस पावर को यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। सो दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इज़ यूज़ पावर ऑफ इंटेंट। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी डीपेस्ट डिज़ायर है, जो भी आपकी विश है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेके हो, वेल्थ को लेके हो, करियर को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, पावर ऑफ इंटेंट यूज़ कीजिए। अपने मन में भाव क्रिएट कीजिए, इंटेंशन क्रिएट कीजिए कि वो हो रहा है, उधर की तरफ एनर्जी को पोर कीजिए। दैट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ इंटेंट, इंटेंट क्रिएट कीजिए। ये आपकी पावर का नेक्स्ट लेयर है। स्टेप नंबर 3, पावर ऑफ एक्शन, पावर ऑफ बिहेवियर। एक बार अपने थॉट को आप कॉन्शियसली चूज करना शुरू करते हैं, कॉन्शियसली उसको प्रैक्टिस करना, ऑब्जर्व करना, स्टॉप करना, उसको गाइड करना शुरू करते हैं, आप पावर ऑफ इंटेंट यूज़ करते हैं, फिर देखिए कि आपका जो एक्शन है, आपका जो बिहेवियर है, क्या वो उसी थॉट से मैच कर रहा है,
क्या वो उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपका गोल है, आपकी विश है, आपकी डिजायर है। दिस इज स्टेप नंबर 3, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ एक्शन या पावर ऑफ बिहेवियर। ये तीनों एक सिंक में होना चाहिए और इन तीनों को यूज करके आप इस अनलिमिटेड पावर को यूज करना शुरू कर सकते हैं। आपकी लाइफ में मैसिव पॉजिटिव शिफ्ट आना शुरू हो जाएगा। व्हाट नेक्स्ट? आप गेस कीजिए, व्हाट कैन बी द फोर्थ? द फोर्थ इज पावर ऑफ गॉड, पावर ऑफ यूनिवर्स, पावर ऑफ धर्मा, जिसको हम लोग बोलते हैं जो हायर पावर है। अब उसको यूज करना, उसको कैसे यूज करें? एक बार आप अलाइंड हो जाते हो अपने थॉट को लेके, अपने इंटेंट को लेके और अपने एक्शन या बिहेवियर को लेके, उसके बाद जो फोर्थ है, जो थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन फिर भी पॉसिबल है, आप अपने हर वर्क में आप बहाने ढूंढिए गॉड रिमेम्बरेंस के। आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उसको प्रे कीजिए, गॉड रिमेम्बरेंस की प्रैक्टिस कीजिए। उससे कुछ बेगिंग मत कीजिए, आपको कोई बेगिंग करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग का जो प्रेयर होता है वो प्रेयर नहीं होता, वो बेगिंग होता है। आपको बस उसको एड्रेस करना है, प्रे करना है, लव करना है, थैंक्स करना है, गॉड रिमेम्बरेंस करना है। सो ये 4 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके आपको महसूस होगा कि आपकी जो ऑरा है, आपकी जो पावर ऑफ थॉट है, आपका जो मैनिफेस्टेशन है, वो बहुत तेजी से वर्क कर रहा है। सो आपने यहाँ तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके सक्सेस, ग्रोथ, हैप्पीनेस के लिए मैं विश और प्रे करता रहूँगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू।